बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है वो दो लेंस होते हैं, एक लेंस को हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं क्योंकि इसके सामने हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओ। और दूसरा जो लेंस होता है इसे आईपीस लेंस कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है आई रखते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें जो प्रिंसिपल यूज्ड होता है वो ये है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस और टू टाइम्स फोकस मतलब एफ़ और टू एफ़ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमें पता है कि जो है हमें टू एफ़ से बियॉन्ड इमेज मिलता है। और अगर ये इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है आईपीस के फोकस के अंदर हो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ फोकस ऑफ आईपीस, ये है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो अगर मैं उसके फोकस के अंदर इस इमेज को रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एक मैग्नीफाइड इमेज मिलता है, ठीक है। तो दो बार मैग्नीफिकेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ पे और फिर यहाँ से यहाँ पे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो ऑब्जेक्ट भी देखने का काम आता है जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप से हम लोग नहीं देख सकते हैं, सेल्स वगैरह जो है देखने का काम आता है। अब यहाँ पे बच्चों मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल तो बता दिया और अब मैं आप लोगों को मैग्नीफाइंग पावर बताता हूँ। मैं प्रिंसिपल एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में होता है यहाँ पे जिससे हमें इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज मिले। अगर ये इमेज आईपीस के फोकस के अंदर होता है तो हमें और मैग्नीफाइड इमेज मिलता है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस विच इज़ फॉर्म्ड एट दिस डिस्टेंस कैपिटल डी, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग पावर हम लोग जो है पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि मैग्नीफाइंग पावर इज़ नथिंग बट द एंगल विच इज़ सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई। आई मतलब यहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर लेंगे आईपीस लेंस का, तो एंगल जो यहाँ पे बन रहा है दिस एंगल इज कॉल्ड बीटा एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन बोथ आर एट डिस्टेंस डी। तो ऑब्जेक्ट जो है वो एंगल क्या बना रहा है, दिस एंगल इज अल्फा व्हेन बोथ आर एट डी डिस्टेंस। यहाँ पे मैं इसको ए बी नाम देता हूँ, ये जो पहला इमेज बना है इसको नाम दिया ए डैश बी डैश, और ये जो फाइनल इमेज बन रहा है मैं इसको नाम देता हूँ ए डबल डैश बी डबल डैश और ये पॉइंट टी। तो क्योंकि एंगल जो है वो छोटे हैं तो हम लोग बीटा को टेन बीटा और अल्फा को टेन अल्फा ले सकते हैं। टेन बीटा अगर आप यहाँ से देखोगे तो ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डबल डैश ओ ही होगा, और टेन अल्फा को अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा ए डबल डैश टी अपॉन ए डबल डैश हुई। यहाँ से आप देख सकते हो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें ये मिलेगा देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू व्हिच इज इक्वल टू ए डबल डैश टी जो है उसको हम लोगों ने ए भी लिखा है क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। और यहाँ पे ये मिलने के बाद जो है हम लोग ऊपर नीचे ए डैश बी डैश से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें जो है ये टर्म अगर आप देखो तो दिस इज़ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस एंड दिस इज़ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस लेंस। तो ये हो जाएगा अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस, और अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। तो हमें पता है कि मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वी बाई यू, तो यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट बाई यू नॉट, और एम ई जो है वो हो जाएगा वी ई बाई यू ई जिसको हम लोग जो है डी बाई यू ई लिखेंगे बिकॉज फॉर आई पी लेंस द इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस डी, तो वी की जगह हम लोगों ने यहाँ पे डी लिखा है, ठीक है। वी नॉट जो है वो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का,
ये डिस्टेंस आप लोग वी नॉट बता सकते हो, ये डिस्टेंस जो है वो यू ई है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो यू नॉट है, ठीक है। अब हम लोग जो है मैग्नीफाइंग पावर हम लोगों ने जो है पता किया है, तो हम लोग फिर से दो केसेस देखेंगे, स्ट्रेन आई और नॉर्मल आई के। हमें पता है बच्चों स्ट्रेन आई के लिए जो है फॉर्मूला जो होता है दैट इज़ वन अपॉन यू इज़ वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन डी। यहाँ पे हम लोग आई पी इसका जो है यू यूज़ करेंगे, तो वन अपॉन यू ई इज़ वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी, जिससे हम लोगों को मैग्नीफाइंग पावर मिलेगा फॉर स्ट्रेन आई दैट इज़ वी नॉट बाई यू नॉट। और डी को भी ऐसे रखते हैं, वन अपॉन यू ई की जगह पूरी वैल्यू रख देते हैं, दैट इज़ वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी, और ये डी को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, दिस इज़ वी नॉट बाई यू नॉट इंटू वन प्लस डी बाई एफ ई। तो फॉर स्ट्रेन आई मैग्नीफाइंग पावर इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज दिस। नॉर्मल आई की अगर हम बात करें तो नॉर्मल आई में जो है वन अपॉन यू इज़ वन अपॉन, नॉर्मल आई में वन अपॉन यू इज़ वन अपॉन एफ, देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर इज वी नॉट बाई यू नॉट इंटू डी बाई। तो ये मैग्नीफाइंग पावर होता है फॉर नॉर्मल आई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। अब बच्चों अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस का डिस्टेंस बताना है, और वो डिस्टेंस आप लोग देख सकते हो, दिस इज़ वी नॉट प्लस यू ई। इसमें भी आप लोग जो है अगर दो केस लोगे कि फॉर स्ट्रेन आई, ठीक है, अगर हम लेंथ की बात करते हैं फॉर स्ट्रेन आई द लेंथ इज V नॉट प्लस यू, स्ट्रेन आई के लिए यू ई की वैल्यू हो जाएगी एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी। सिमिलरली फॉर नॉर्मल आई लेंथ विल बी इक्वल टू V नॉट प्लस, नॉर्मल आई के लिए यू ई इज इक्वल टू एफ ई, तो यहाँ पे मैं एफ ई लिख देता हूँ। तो ये फॉर्मूलाज भी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो है ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, कि मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, फिर भी अगर कोई दिक्कत रहती तो आप लोग जो है कमेंट में मेंशन कर सकते हो। मैग्नीफाइंग पावर का जो है डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि वो सेम है जो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोगों ने पढ़ा है, और प्रिंसिपल जो है मैंने आप लोगों को जो है दो बार बता दिया है, तो वो भी मैंने वर्ड्स में नहीं लिखा है। ठीक है, थैंक यू।